बिना जीपीएस प्रणाली के 60 वर्षीय दिल्ली के सेवानिवृत्त पत्रकार शरद शर्मा, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से एडिटर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, भूटान सहित संपूर्ण देश का भ्रमण कर लगभग 30,000 किलोमीटर की यात्रा बाइक पर करने के उपरांत बिलासपुर पहुंचे। शरद शर्मा का बाइक के माध्यम से नशा निवारण व दो पहिया वाहनों को चलाते समय सुरक्षा के प्रति युवा वर्ग को जागरूक करने का उद्देश्य है। इस मिशन को पूरा करने के लिए बिना किसी स्पॉन्सर्ड अपनी जीवन निधि से वह खर्चा वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत 18 मार्च को दिल्ली से बाइक पर देश भर की यात्रा के लिए निकले थे। हिमाचल प्रदेश इस यात्रा में उनका 28वां राज्य है। अब उत्तराखंड व चंडीगढ़ यात्रा पर निकलेंगे। जिस राज्य व स्थान पर भी जाते हैं वहां का ही भोजन ग्रहण करते हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र विस्तर की यात्रा भी बाइक पर ही की। उन्होंने बताया कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तथा भूटान की यात्रा बाइक पर मजे से की। अपने देश में कहीं भी कोई खतरा नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युवा बिना हेलमेट के वो लापरवाही से बाइक चलाते हैं, जिससे अधिकतर युवा 18 व 35 के बीच ही मौत के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए बिना हेलमेट के यात्रा ना करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने झरिया, झारखंड, कोयले की वह खान भी देखी है जहां 1916 में आग लगी थी। वहां पर काम करने वाले लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि वे ये खतरनाक जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते। लोगों का जवाब था कि यही काम करना जानते हैं, दूसरी जगह जाकर क्यों मरेंगे, इसीलिए वे भूखे मरने के सिवाय यही काम करते हुए मरना चाहते हैं। मेरा नाम शरद शर्मा है। मेरा परिवार बिलासपुर जिला से ही है, घुमारवीं तहसील से हैं हम लोग। अभी हम लोग दिल्ली में सेटल्ड हैं। मैं 37 साल तक जर्नलिज्म में मेरा करियर रहा। एज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया आई रिटायर्ड एज एडिटर आफ्टर पुटिंग इन लास्ट 19 इयर्स देयर इन टाइम्स ऑफ इंडिया एज एडिटर। और जब मैं 60 साल का हुआ तो मैं अब एक सोलो ऑल इंडिया बाइक राइड पे निकला हूं, जिसमें मैं 29 राज्य, 4 केंद्रीय शासित प्रदेश और भूटान कवर करने के लिए मार्च 18 को दिल्ली से निकला। 4 केंद्रीय शासित प्रदेश इसलिए कि 5वें में रहता हूं और 2 लक्षद्वीप और अंडमान समुद्रों में, उनको हम कवर नहीं कर सकते। और ये जो मार्च 18 को मेरी यात्रा शुरू हुई है, अभी तक मैं बिलासपुर जब पहुंचा हूं, मेरे 29,270 किलोमीटर हो चुके हैं। ये मेरा 28वां राज्य है। इसके अलावा मैं 3 केंद्रीय शासित प्रदेश और भूटान कवर कर चुका हूं। मेरा अब सिर्फ बाकी रहता है शिमला सेक्शन ऑफ हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, और उत्तराखंड से मेरी कोशिश है कि मैं शायद दिवाली तक घर पहुंच पाऊं। ये मेरी ट्राई है। तो ये तो मेरी ये यात्रा के बारे में रहा। और ये सारा मैं अपने रिटायरमेंट के बाद अपने ही पीएफ और ग्रेच्युटी का जो पैसा है, किसी स्पॉन्सरशिप नहीं है, अपने पैसे से ये मैं यात्रा को मैंने फाइनेंस किया है। और इसके पीछे जो मेरे 2 उद्देश्य जो मेजर में लेके चला था, वो एक था कि हमारा देश जो है वो फिटनेस की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हम डायबिटीज का कैपिटल बन चुके हैं और हम कोलेस्ट्रॉल का कैपिटल बनने जा रहे हैं, ये WHO का कहना है। विद इन 4 ईयर्स शायद हम वर्ल्ड कैपिटल बन जाएंगे। मेरा सबसे यही था एक उद्देश्य कि 1,50,785 मौतें हुई हैं पिछले साल, 2016-17 की रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। इसमें से बाइकर्स जो हैं वो 52,500 मरे हैं। हेलमेट के बिना 18.3% मरे। मैं ये पूरी यात्रा विद हेलमेट करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ट्रैफिक नियमों को फॉलो करो, रोड्स को रेसिंग ट्रैक मत बनाओ। रोड आपकी जिंदगी की यात्रा सुखद बनाने के लिए बने हैं, रेस लगाने के लिए नहीं बने हैं। प्लस मोबाइल फोन्स जो हैं एक नई कैटेगरी खड़ी हुई है, 3,000 मौत पिछले साल मोबाइल फोन यूज करते हुए हुई है। मैं इस यात्रा को बिना मोबाइल फोन के यूज करता हूं। मैं GPS, नेविगेशन, म्यूजिक, मेरा फोन स्विच ऑफ रहता है एज लॉन्ग एज अमन में बाइक। और मैं 29,270 कर चुका हूं। मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि देखो, बिना मोबाइल फोन के आप यात्रा कर सकते हैं, प्लीज कीजिए, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शन के साधन है, इनसे एक्सीडेंट्स होते हैं, आप ये मत कीजिए। और ड्रिंक एंड ड्राइविंग, 2 चीजों को भी मिक्स मत कीजिए। हमारे इंडिया में ड्रिंकिंग और ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। कई बार हम यातायात के नियमों का तब पालन करते हैं जब पुलिस वाला सामने होता है उसके डर से। मैं कहता हूं यातायात का नियम का पालन अंदर से आना चाहिए। पुलिस वाला है या नहीं है इमेटीरियल है, आपकी जान है, आपको अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। तो ये 2 मैसेजेस मैं लेके चला हुआ हूं और ये यात्रा मैं नवंबर 8 तक लगता है कि पूरी कर पाऊं। ड्राइविंग और नशा दोनों एक दूसरे के दुश्मन है।
इनको अगर आप ड्राइविंग और नशा इकट्ठा करके जा रहे हैं तो आपकी जान की दुश्मन है। यानी आपने न्योता दे रखा है नशा करके ड्राइव करना या राइड करना, सीधा यमराज को न्योता है कि भैया मैं दुखी हूँ, मुझे आके तू ले जा। अगर आप बच गए उस दिन तो किस्मत आपकी है कि उस दिन बच गए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप हर बार बचेंगे। तो ये नशा की वजह से एक्सीडेंट सिस्टम इंडिया में मैक्सिमम हो रहे हैं। हर स्टेट में अगर आप देखेंगे पुलिस वाले कोशिश करते रहते हैं, कोई बलून टेस्ट कर रहे हैं, कोई अल्कोहल का वाला टेस्ट कर रहे होते हैं। दुख की बात है कि लोग नशे करके राइड पे निकले हुए हैं और अपनी जिंदगी को उन्होंने उन क्षणों में इतने बड़े रिस्क और दांव पे लगा रखा है, वो ये भूल जाते हैं कि उनका परिवार उजड़ जाएगा या वो भी बर्बाद हो जाएंगे। ये नासमझी है या बेवकूफी है, लेकिन है कि ये ना ही हो तो ही अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए।